बोले तो वो अपना कानून अपना वापस ले, नहीं तो इस बार गद्दी छोड़े हैं, इस बार गद्दी उनको छोड़ना पड़ेगा। हो सके स्टेयरिंग फेल हो गई, इसका इसमें गलती किसका है? तो फिर ड्राइवर ही क्यों सजा भोगेगा? हर साल वो आराम से फूल खिलाते हैं ना, इस बार फूल जो है कीचड़ से समुन्द्र में ले जाए, वही गुजरात में हूँ अपना फूल खिलाए। ड्राइवर को आज तक सरकार कुछ दिया है? पूरा गरीब हटाओ अभियान चला रहा है बीजेपी सरकार। ऐसा सरकार से तो भला अंग्रेज ही बढ़िया था। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए इस वक्त हम पटना के सड़कों पे मौजूद हैं। बता दें आपको, जो नया वाहन चालक जो कानून बना है उसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है। बता दें आपको, पहले जो कानून था, अगर हिट एंड रन का जो कानून बना था उसमें जो भी व्यक्ति ऐसी कुछ दुर्घटना होती है अगर उसको लाया जाता है तो 5,000 का इनाम दिया जाता है और साथ ही कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो नया जो कानून लाया गया इसमें 10 साल की जेल होती है और 7,00,000 जुर्माना लगता है। जैसे जिसको लेकर के जो सभी जो वाहन चालक जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हर प्रतिदिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है सामान के लोग लेकर के आना जाना होता है, कई जो है नुकसान होने वाला है अगर ये लोग जो है इसी तरीके से स्ट्राइक कर देंगे। चलिए इनसे बातचीत करते कि ये कानून से क्या इनको आपत्ति है, क्या कहिएगा? नहीं, ये गलत है। क्या गलत है? तो गलत है मुआवजा और ये 10 साल की जो सजा है ये गलत है। ये तो अच्छा है ना, तब ना उसके बाद जो चलाते वो ध्यान से चलाएंगे, वरना लापरवाही। ये जरूरी तो नहीं कि ड्राइवर का ही गलती रहता है, आपका भी तो गलती हो सकता है। वहाँ पे आप घुस गए तो उसका सजा हम भोगे। आप घुस गए, हो सके स्टेयरिंग फेल हो गई, हो सके स्टेयरिंग फेल हो गई, इसका इसमें गलती किसका है? तो फिर ड्राइवर ही क्यों सजा भोगेगा? सही बात है, इसमें ड्राइवर ही क्यों सजा भोगेगा? नहीं, इस कानून को हम नहीं मान रहे हैं। ना हम मालगाड़ी चलाते हैं। मालगाड़ी चलाते हैं क्या? इस कानून से खुश है कि नहीं? नहीं, हम खुश नहीं है। अमित शाह ये कानून वापस ले। कोई ड्राइवर खुश नहीं है। ये कानून जनता के हित के लिए कानून बनाए ना? कोई हित के लिए बात नहीं है, ये सब ड्राइवर के मारने का, सारा गरीब के मार दिया अमित शाह नरेंद्र मोदी। समझने की बात है कि अगर खुश नहीं है, किसी में टच करता है गाड़ी तो 10 साल का सजा और 7,00,000 का जुर्माना। कहाँ से लाके दीजिएगा? अगर 7,00,000 रहता तो ड्राइवरी करने के लिए लोग क्यों आता, दूसरा बिजनेस करता? एक मजदूर आदमी 7,00,000 रुपया कहाँ से देगा? अगर 10 साल का सजा हो जाता है तो एक मजदूर के परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? और अगर धक्का लगता है तो लोग इतना मतलब हो जाते हैं व्यग्र कि ड्राइवर को ही मार देना चाहते हैं। क्या ड्राइवर को मार देने से जैसे लगता है कि घायल लोग ठीक हो जाएगा, इस प्रकार का बिहेव करते हैं? तो अगर ड्राइवर को जान मार दिया जाएगा तब उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को लोग इतना बहुमत दे के भेजा है काला कानून बनाने के लिए। ऐसा ऐसा कानून लेकर आइएगा जिससे कि गरीब लोगों के लिए मौत से भी बदतर स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये काला कानून क्यों ला रहे हैं जिससे पूरे देश में बवाल हो रहा है, पूरे देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो सकता है, वाणिज्य विभाग ठप हो जाएगा, क्योंकि जितना भी व्यापार है 80% पथ परिवहन से ही होता है, और जब गाड़ी ही बंद रहेगा तो फिर व्यवसाय कैसे होगा? मैंने अगर ड्राइवर 24 घंटा ड्राइवरी करता है मैम, तो 50 केस ऐसे आते हैं जो अगर उन्हें ना बचाएं तो पक्का 100% मरेंगे। 50 केस 24 घंटा की ड्राइवरी में 50 केस ऐसे हैं कि अगर उनको हम ना बचाएं तो पक्का मरेंगे। अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो ये ड्राइवरों का उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है, और यही गरीब लोग, यही मजदूर लोग वोट देकर मोदी जी को केंद्र में बैठा आता है, तो यही गरीब लोग उनको अपने वोट के ताकत से उतार कर फेंक भी सकता है गद्दी से। कितना कमाते हैं? 300। हम तो 300 रुपया के मजदूरी करते हैं, ट्रक में खलासी करते हैं, शीशा पोछते हैं। शीशा मालूम है? जी जी, हाँ। जी पता है। अब तो वो भी बंद हो गया तो अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाइएगा? मोदी जी के घर पे जाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे और क्या करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार हूँ। आप भी बस चलाते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर है, क्या कहिएगा नया कानून को लेकर के जो कानून बना है? बोले तो वो अपना कानून अपना वापस ले, नहीं तो इस बार गद्दी छोड़े हैं, इस बार गद्दी उनको छोड़ना पड़ेगा। ड्राइवर का औकात दिखाएंगे इस बार। 2024 में जो इलेक्शन है ना उनका, हर साल वो आराम से फूल खिलाते हैं ना, इस बार फूल जो है कीचड़ से समुन्द्र में ले जाए, वही गुजरात में हूँ अपना फूल खिलाए। बिहार और पूरे स्टेट में आने वाला उनका नहीं है।
अच्छा। हाँ ड्राइवर के अवकाश नहीं लगता, नया कानून बना है तो लोगों के हित में है, जनता हित, जनता के हित में हम मानते हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि वो सरकार ऐसा करे जो भी गाड़ी निकलता हो कंपनी को पहले अलाउट करे कि वो पहले सीसी कैमरा साथ के गाड़ी निकाले। जायज नजायज फैसला कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, ठीक है। हम हमसे लगा और हम ही दो ही है, गलती अगला किया, लेकिन दोषी पब्लिक आके हमको ठहरा रही है। हम दावा कर रहे कि भैया वो जानबूझ के आ गया या टपने मुंह नहीं देखे, तो वहाँ पे फैसला कौन सुनेगा? पब्लिक तो हमको आएगा, कहेगा कौन मारा? ड्राइवर मारा, मारो इसको। बाइक वाला रोकेगा, मारो इसको। लेकिन हम लोग भी रात भर जा करके पब्लिक को सेवा देते हैं, घर तक ड्रॉप करते हैं, आपको घर छोड़ देते हैं। उधर से जब वापस आते हैं तो चोर हमको भी मिलता है, कहता अरे कितना कमाया निकाल। उस समय क्या मोदी जी आते हमको देखने कितना ड्राइवर मरा गया? मोदी जी अगर नया कानून नहीं निकालते तो हम लोग बंद नहीं करते गाड़ी। ये नया नया कानून निकालने जानते हैं, जो चीज होता है नया कानून निकाल देते तो हम लोग बंद ही नहीं करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। एक तरफा है ये कानून, एक तरफा कानून है, सिर्फ पब्लिक को देख रहा है, ड्राइवर को देख ही नहीं रहा है। ड्राइवर को भी देखिए ना, दोनों साइड ना देखना है, सिर्फ वही साइड देखता है। ये कानून ऐसे आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर बचाओ तो भी आप जाओ, और नहीं बचाओ भागो तो भी आप जाओ। भागने ही में ना फायदा है, तो इससे अच्छा कैसे फायदा है? इससे अच्छा तो पहली वाला ना कानून था जी, कम से कम मार दिए तो मेरा गलती या नहीं रहा या रहा, भाग जाओ तो बच जाएगा। अभी तो अगर आपको एक्सीडेंट कर रहे हैं, हम लेके जा रहे तो भी हम मार खा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे तभी मार खा रहे हैं। दो बात हम बोलना चाहेंगे, कहावत हम लोग का बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि नाग जो है या नागिन सुबह जब जागती है तो सूर्य भगवान को प्रणाम करती है कि हमको मनुष्य दर्शन ना हो। उसी तरह से ड्राइवर भाई हम लोग भी भगवान से दुआ करके निकलते हैं कि चींटी पिपड़ी के पास भी हम लोग का चक्कर ना जाए। लेकिन ये जबरन है, जबरदस्ती है, सरकार अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। हम लोग को ही सारा बोझ लाद दिया है, हम लोग के पास पैसा क्या है? मोदी जी सोचते हैं कि ऑनलाइन कर दिए हैं, ड्राइवर बहुत कमाता है। अरे क्या कमाता है? आप ड्राइविंग करके देखिए, एक तो झूठा सरकार है। झूठा सरकार क्या झूठा? झूठा यही है कि हम चाय बेचते हैं, कोई बुरे भारत से हम पूछना चाहते हैं कोई चाय उनको ढारते हुए देखा है आज तक? 10 दिन 15 दिन पहले हम लोग पेपर तैयार करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी नहीं कोई। अच्छा ठीक है, सब ठीक है, ला 500 दो आ जाओ, ये सब क्या है? तो हम यही चाहेंगे वो अपना वापस ला। जो एक्सीडेंट पर जो आरोप लगाया, इससे पहले तो चाहिए जो हम लोग कहीं लगा के सो जाते थे, शीशा काट के गेट खोल के हम लोग का पैसा पर्स मोबाइल चोरी कर लेता है, बैटरी निकाल लेता है, डीजल कार लेता है। इसके ऊपर सरकार को चाहिए, पुलिस को, प्रशासन को टाइट करना, जो गाड़ी वाले के कहीं चोरी ना हो, लूट ना हो, छीने ना, सोए में रात भर जगे रहते हैं, 2 घंटा सोए तो हो गए। हम लोग का आज तक सरकार कुछ दिया है? ड्राइवर को आज तक सरकार कुछ दिया है? देने के लिए नहीं आज तक कोई सरकार उठा है। हम लोग सोचे जे ये बीजेपी सरकार आया तो ड्राइवर के प्रति कुछ करेगा, लेकिन कुछ करेगा क्या? ऐसा किया कि ड्राइवर को ही दुनिया से ले रहा है। ये तो पूरा गरीब हटाओ अभियान चला रहा है बीजेपी सरकार। गरीब की सरकार है, आप कैसे बोल सकते हैं गरीब हटाओ? गरीब का सरकार नहीं है, गरीब हटाओ सरकार है, ये गरीब हटाओ सरकार। जब से बीजेपी के सरकार हुआ है, गरीब के हाथ से मोबाइल छीन लिया, अंबानी में मिलके सारा कंपनी को भगा दिया। आज 150 रुपया डालेगा तो मोबाइल चलेगा, नहीं तो खिलौना हो गया। गरीब बेचारा 150 कमाता है, कहाँ से मोबाइल में डालेगा? घर घर गैस कनेक्शन फ्री दे के धुआं के आदत छोड़ा दिया। आज 1200 रुपया गैस ले रहा है, गरीब बेचारा 1200 कमाता नहीं, गैस कहाँ से भराएगा? ये गरीब हटाओ अभियान चला रहा है, काहे विदेश में जाता है? अपना देश का पैसा लूट के विदेश में कारोबार कर ले, वो अपना कारोबार देखने के लिए जाता है। मोदी जी क्या कहे थे? जो हम काला धन विदेश से लाएंगे, 15 लाख रुपया हर जनता को खाता पर देंगे, 15 रुपया नहीं दिए, सारा रुपया लूट के विदेश में कारोबार कर लिए। वो लूट रहे हैं जनता को, अंग्रेज के तरह सरकार चला रहे हैं। ये सरकार आज तक जनता को दिया क्या? ऐसा सरकार से तो भला अंग्रेज ही बढ़िया था। मीडिया चैनल में RJD का इतना छोटा कांड होगा तो मीडिया वाले इतना बड़ा करके दिखाएंगे, बहुत बड़ा कांड हो गया। अब बीजेपी का इतना बड़ा कांड होगा तो दिखाएगा, जो थोड़ा सा इतना बड़ा कांड हुआ है, यदि कोई मकान गिर गया तो दिखाएगा बीजेपी के सरकार में गिरेगा तो कहेगा पूरा हुआ था, खंडर था, टूटा हुआ था, गिर गया।
और यदि कोई दीवाल पड़ जाएगा आरजेडी के सरकार में तो कहेगा बड़का इमारत गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। सरकार को कहेंगे अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा हम लोग रोड पर से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ट्रक ड्राइवर दो बच्चा बीबी पाल रहे हैं, इस तरीके से 10 साल 5 लाख रुपया मांगेगा, ड्राइवर कहाँ से देगा? वो बेचारे के 5,000-6,000 का महीना, 8,000-10,000-20,000 कमाते हैं, अपना घर परिवार चलाते, ये 3-4 दिन के बंदी है, अगर नहीं चलाएगा तो कहाँ से लाएगा? सरकार बहुत दुख हो रहा है, उसी से हम जीते हैं, 10-5 देते हैं, हम लोग जीते हैं, यहाँ जीरो मल्जाम मांगते हैं, 150-10 कोई देते हैं तो हम जीते हैं। अब चल नहीं रहे, हम 2 दिन से कहाँ जाएंगे? चोरी करेंगे कि धंधा करने जाएंगे? चोरी करें कि धंधा करें, कहाँ जाए हम लोग? सरकार मजबूर किए हैं, उनको तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी हक है, सरकार हक कहाँ? सरकार आप लोग के लिए नहीं है क्या? कहाँ कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग? थाना पुलिस जाते, कोई टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, छीनते हैं, जाते हैं, तुम लोग जाओ ऐसे करती है। जब हमारे एक ड्राइवर से 1,000 आदमी जीता है, जीते हैं, जीते हैं, चाय दुकान, होटल वाले, टायर मिस्त्री, सब जीते हैं, मोटर पास वाले, मिस्त्री, इंजन मिस्त्री, ट्रांसपोर्ट, पार्टी, दुकानदार, सारा काम होता है हम ही से। एक आदमी के पीछे 1,000 आदमी जुड़ा हुआ है, 1,000 आदमी जीता है हमसे, और बोल रहे हैं कि ये कानून जो है वापस लेना ही होगा, नहीं तो इसी तरीके से जो है पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करेंगे, पटना को घेर लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा क्या आगे चल के क्या सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या ये नया कानून को वापस लेती है कि नहीं। और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं, जो नया कानून बना है सही है या गलत है, जरूर बताइए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा के साथ, मैं फरहत अफसा, पटना।